जय हो माँ वैष्णो देवी की। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में, और ये है आप सबको भंडारे का आमंत्रण। जी हाँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार मिश्रा जी लगातार चौथी बार हाई कोर्ट के 400 अधिवक्ताओं को लेकर माँ वैष्णो देवी के दर्शन को गए, और वहाँ से आने के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लखनऊ के समस्त अधिवक्तागण करीब 10,000 के आसपास लोगों ने माता रानी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। और उसमें मुख्य अतिथि थे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी और सुल्तानपुर के विधायक जी। बहुत ही अच्छा आयोजन था, जिसके लिए मैं मनोज मिश्रा जी को कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ, और सदा माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे और आप ऐसे ही विशाल आयोजन करवाते रहें। और रंजना दीदी भी आईं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला। प्रेसिडेंट श्री एम त्रिपाठी जी रहे, और भंडारा होने से पहले सुंदरकांड का आयोजन किया गया, प्रसाद मिला, आरती हुई, और उसके बाद सभी को पटका उड़ाकर सम्मानित किया गया। और बहुत ही आनंद आया दोस्तों, इस विशाल आयोजन का स्थान था गेट नंबर 7 के बाहर, और विशाल पंडाल लगाकर बहुत अच्छे व्यवस्था थी बैठकर प्रसाद ग्रहण करने की। सोफ़ा, मेज, बड़े बड़े पंखे, इस कूलर सभी कुछ लगा हुआ था, और बहुत ही आनंद आया। और हमारे मिश्रा जी की खासियत यही है कि वो कोई भी कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, कोई व्यक्ति है इतने मन से भगवान के कार्यक्रम कर रहा है, और माता रानी और महाकाल की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे। सभी अधिवक्ताओं के हित की बात करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो सभी को सम्मान देते हैं। तो मैं वहीं की झलक आपको दिखा करते हैं कि दीदी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदैव रहता है। दीदी जो है हम लोगों की जो है गार्जियन है, समीक्षक है, जो कि हमारे अवध बार एसोसिएशन के जो है आजीवन सदस्य हैं, श्री राजभाई उपाध्याय जी का प्रस्थान यहाँ से हो रहा है। हम अपने आयोजक मंडल एवं यशस्वी महासचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा जी से आग्रह करते हैं, आप लोग जो है माननीय विधायक जी को गाड़ी तक जो है पहुंचाएं। हमारे आयोजक मंडल